इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 टू व्हीलर्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने पूरे मार्केट के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। ऐसे टू व्हीलर्स जिन्हें जनवरी 2019 से जून 2019 के बीच में सबसे ज्यादा खरीदा गया है पूरे भारत में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं 2019 के शुरुआती 6 महीनों में सबसे ज्यादा बिकने वाले टू व्हीलर्स की लिस्ट में 10th पोजीशन पर आने वाले टू व्हीलर के बारे में। इस पोजीशन पर आया है TVS जुपिटर, जो कि एक स्कूटर है। इन 6 महीनों में, मतलब जनवरी से लेकर जून के बीच में, इस स्कूटर की 321,447 यूनिट्स बिकी हैं। ये स्कूटर करीब 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जुपिटर, ZX, ZX डिस्क और क्लासिक। इसमें करीब 62 KMPL के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है। इसके अलावा एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये स्कूटर 53,000 रुपीज़ से शुरू होकर 60,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है। इसके बाद 9th पोजीशन पर आई है हीरो की ग्लैमर बाइक। इन 6 महीनों में इस बाइक की 355,760 यूनिट्स बिकी हैं। इस मोटरसाइकिल के भी करीब 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एक है रेगुलर ग्लैमर, दूसरी न्यू ग्लैमर IBS और तीसरी ग्लैमर प्रोग्राम्ड F1। इस गाड़ी में करीब 62 KMPL के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से इसके सभी वेरिएंट्स 60,000 रुपीज़ से शुरू होकर 70,000 रुपीज़ तक के मिल जाते हैं। इसके बाद 8th पोजीशन पर आई है बजाज की मोटरसाइकिल प्लेटना। 2019 के शुरुआती 6 महीनों में प्लेटना की 358,278 यूनिट्स बिकी हैं। प्लेटना भी करीब 3 वेरिएंट्स में मार्केट में अवेलेबल है। एक है प्लेटना 100, दूसरी प्लेटना कंफर्ट और तीसरी प्लेटना 110 एच गियर। इस मोटरसाइकिल में भी करीब 80-90 KMPL के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से इसके सभी वेरियंट्स 41,000 रुपीज़ से शुरू होकर 56,000 रुपीज़ के बीच में मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं 7th पोजीशन पर आने वाले टू व्हीलर के बारे में, जो कि एक मोटरसाइकिल है। नाम है हीरो पैशन। इन 6 महीनों में पैशन की करीब 358,373 यूनिट्स बिकी हैं। वैसे देखा जाए तो पैशन और प्लेटना के सेल्स फिगर में बहुत कम अंतर है, लगभग बराबर ही बिकी हैं दोनों गाड़ियां, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन पैशन ज़्यादा बिकी है। पैशन भी करीब 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, पैशन एक्स प्रो, पैशन प्रो 110 और पैशन प्रो i3S। इस गाड़ी में लगभग 84 KMPL के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से इसके सभी वेरिएंट्स 57,000 रुपीज़ से शुरू होकर 60,000 रुपीज़ तक के मिल जाते हैं। इसके बाद 6th पोजीशन पर एक मोपेड आई है, जो कि TVS की है। नाम है XL100। आज भी कई सारे लोग किसी स्कूटर या फिर कोई बाइक के बजाय एक मोपेड खरीदना पसंद करते हैं, और यही कारण है कि 6th हाईएस्ट सेलिंग टू व्हीलर एक मोपेड है। 2019 के शुरुआती 6 महीनों में TVS XL100 की 386,407 यूनिट्स बिकी हैं। ये मोपेड भी 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक है कंफर्ट, हैवी ड्यूटी, आई टच स्टार्ट और एक रेगुलर XL100। अगर आप भी इस XL100 मोपेड को खरीदना चाहते हैं तो एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से इसके सभी वेरिएंट्स 30,000 रुपीज़ से शुरू होकर 40,000 रुपीज़ तक के मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं 5th हाईएस्ट सेलिंग टू व्हीलर के बारे में, तो वो है होंडा शाइन। इन 6 महीनों में शाइन की 462,053 यूनिट्स बिक चुकी हैं। शाइन के भी 3 वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है शाइन SP, दूसरा लिमिटेड एडिशन और तीसरा रेगुलर शाइन। इस गाड़ी में लगभग 65 KMPL के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो इसके सभी वेरिएंट्स
58,000 रुपीज़ से शुरू होकर 69,000 रुपीज़ तक के मिल जाते हैं एट शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से। फोर्थ पोजीशन पर आई है टीनेजर्स की सबसे पहली पसंद बजाज पल्सर। इन 6 महीनों में पल्सर का काफ़ी ज़बरदस्त सेल्स फिगर है। इस दौरान पल्सर की करीब 517,941 यूनिट्स बिक चुकी हैं। जिस तरह से समय के साथ इस गाड़ी को सक्सेस मिलती ही जा रही है, उसी तरह से बजाज भी इसमें समय समय पर चेंजेस करता रहता है, समय समय पर इसके नए वेरिएंट्स लॉन्च करता रहता है। इसलिए ही प्रेजेंट में पल्सर टोटल 8 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। RS200, NS200, NS160, 220F, 150, 150 ट्विन डिस्क, 150 नियॉन, 180F नियॉन वगैरह वगैरह पता नहीं। इस गाड़ी में करीब 35 टू मैक्सिमम 65 KMPL के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसके सभी वेरिएंट्स 71,000 रुपीज़ से शुरू होकर 140,000 रुपीज़ तक के मिल जाते हैं एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर आई है हीरो मोटोकॉर्प की बाइक HF डिलक्स। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 2018 में HF डिलक्स हाईएस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल थी, लेकिन हाल फिलहाल मोटरसाइकिल के हिसाब से देखा जाए तो ये सेकंड पोजीशन पर है और टू व्हीलर के हिसाब से देखा जाए तो ये थर्ड पोजीशन पर है। लेकिन इस मोटरसाइकिल का सेल्स फिगर जबरदस्त है। इन 6 महीनों में इस मोटरसाइकिल की 10,84,712 यूनिट्स बिक चुकी हैं। इसमें करीब 82.9 KMPL के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये आपको 40,000 रुपीज़ से शुरू होकर 50,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। सेकंड पोजीशन पर वो टू व्हीलर आई है जिसे हर कोई पसंद करता है, फिर वो चाहे कोई टीनेजर हो, जवान हो, अंकल हो या आंटी हो या फिर कोई बुजुर्ग हो। इस गाड़ी को हर कोई चलाना जानता है और इसे पसंद भी करता है। ये गाड़ी है होंडा एक्टिवा। 2019 के शुरुआती 6 महीनों में होंडा एक्टिवा की 12,33,216 यूनिट्स बिक चुकी हैं। हाल फिलहाल एक्टिवा करीब 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक है एक्टिवा 125, दूसरा लिमिटेड एडिशन, तीसरा एक्टिवा आई और चौथा एक्टिवा 5G। इस गाड़ी में करीब 62-66 KMPL के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है। इसके अलावा अगर आप भी एक्टिवा को खरीदना चाहते हैं तो एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी 51,000 रुपीज़ से शुरू होकर 65,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं उस टू व्हीलर के बारे में जो 2019 के शुरुआती 6 महीनों में पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकी है। शायद आप में से कुछ लोग इस गाड़ी को समझ भी गए होंगे। ये है हीरो मोटोकॉर्प की मोटरबाइक स्प्लेंडर। इन 6 महीनों में स्प्लेंडर की 14,48,531 यूनिट्स बिक चुकी हैं। स्प्लेंडर के भी कई सारे वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि न्यू सुपर स्प्लेंडर IBS, सुपर स्प्लेंडर IBS, स्प्लेंडर आई स्मार्ट प्लस IBS, स्प्लेंडर प्लस IBS i3S। इस गाड़ी में लगभग 75-84 KMPL के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से इसके सभी वेरियंट्स 52,000 रुपीज़ से शुरू होकर 60,000 रुपीज़ तक के मिल जाते हैं। तो बस यही थे वो 10 टू व्हीलर्स जिन्होंने हाल फिलहाल पूरे टू व्हीलर मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन टॉप 10 सेलिंग टू व्हीलर्स में 4 गाड़ियां हीरो मोटोकॉर्प की हैं, जबकि बजाज, होंडा और TVS की 2-2 गाड़ियां हैं। मतलब साफ है कि टू व्हीलर मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प डोमिनेट करता है। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा टू व्हीलर आपके घर में है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।